देखो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल हमारे कितने रहेंगे इसमें, दो, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप मुझे ये बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री वन होती है, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन वेरिएबल में कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2x-5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। बट हम कौन से पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, ax+by+c = 0, दिस इज ए जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल बताओ जरा कोई एग्जाम्पल, 2x+3y+4 = 0, आप ऐसे लिख सकते हो, या कोई दूसरी इक्वेशन जैसे 2x+3y, कांस्टेंट को आपने राइट साइड में लिख दिया, दिस इज, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशंस है राइट इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। एक मिनट बैठे, सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, तो दो ही लीनियर इक्वेशन हमें पढ़नी है, तो हम उसको कहेंगे a1x b1y+c1 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे एक इक्वेशन और लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, a2x+b2y+c2 = 0, तो ये हो गई हमारी दो लीनियर इक्वेशंस। हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे राइट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वो जो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी एक y की वैल्यू आएगी, जब उस उन वैल्यूज को आप इस इन इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करोगे तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जब आप वो वैल्यू पुट करोगे तो इसकी LHS, अगर RHS में 0 है तो LHS भी क्या आएगी, 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर LHS में आप डालोगे तो वो RHS के बराबर आएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है। तो हमें सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस फाइंड करने हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। करेक्ट, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। तो पहले तो बच्चों हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसकी इस इन इक्वेशंस के बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, और ये वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो जरा, सर हम बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बिना ग्राफ वाले ही कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज सेकेंड से कर रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन वन को अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि वन में ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। एक तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सिंपलीफाई करते हैं देखो जरा एक बार, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो आप। जैसे बच्चों ये x+y = 14, बहुत सिंपल क्वेश्चन। x अच्छे वैसे तो आप क्लास में पढ़ी चुके, आपको आता ही होगा x+y = 4। तो बच्चों इन लीनियर इक्वेशंस को जैसे सोल्व करने के हमारी सिलेबस में दो तीन मेथड हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम ग्राफ बना के फाइंड आउट करेंगे इनका सॉल्यूशन, जिसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद एक हमारे पास मेथड कौन सा है, पहला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद आएगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, और एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो अभी हमारे सिलेबस से हट गया है, ठीक है। और ये सुनते ही सब लोग बड़े खुश हो गए कि चलो एक तो हट गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट वेरी डिफिकल्ट बेटा, बट उसमें थोड़े सब मुश्किल थे, बट स्टिल इतने मुश्किल नहीं थे, चलो। और वैसे बेटा मैं आपको पता क्या कहना चाहता हूँ, कि भले ही सिलेबस से हट गया हो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो क्या किया जाता है बच्चों इस मेथड में, कौन मुझे बताएगा, शायद आप स्कूल में कर चुके हो तो बता सकते हो। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन वन सॉरी टू, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप
एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। सानवी बता कौन से निकाले, सेकंड वाले से निकालें या फर्स्ट वाले से निकालें? मेरा मन फर्स्ट वाले का कर रहा है, किसी से भी निकाल लो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई वन, बाई वन फर्स्ट इक्वेशन से देखो बच्चों, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी कौन बताएगा? 14 माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 माइनस वाई। अब आप इसको किस में सब्सटीट्यूट कर दोगे? पुटिंग इन ये जो y की वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, पुटिंग इन सेकेंड, सेकेंड में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा देखो जरा सेकेंड इक्वेशन को। x के जगह आपको क्या डालना है? 14 माइनस वाई। एक्स के जगह आपको क्या लिखना है? 14 माइनस वाई, माइनस में y एज इट इज रहेगा। सानवी समझ रही बेटे? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? 4। तो बच्चों यहां से आ गया 14 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है राइट? तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 14। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। माइनस को बच्चों दोनों साइड से कट कर दो एंड y इज इक्वल टू 12 बाई 2। सो y बच्चों आपका क्या आ गया? 6, करेक्ट। सो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यहां से मिल गई और वो क्या है? 6, ठीक है। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या कैसे निकालेंगे? एक वेरिएबल जो y की वैल्यू आई है, हाँ बोलो, 4 माइनस 14 है तो 10 भी बचेगा। अच्छा गलत कर दिया, ठीक करो भाई। तो कितना बचना चाहिए था? 5। यहाँ पर क्या आना चाहिए था बच्चों? 10 माइनस का 10 और ये कितना आ गया बताओ? 10 बाई 2 तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। बाई वन, वन से ही निकाल लेते हैं। वन में अगर आप y की वैल्यू डालोगे तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 5, दैट इज इक्वल टू 14, राइट। सो x कितना आ गया बच्चों? 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सो x आ गया बच्चों हमारा 9 और y हमारा आ गया 5। इस इन इक्वेशंस के बच्चों जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब जानते हो? मैं भी बताऊंगा। वो कितने आए हैं? 9 और 5। मतलब जब आप x को 9 और y को 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, देखो जरा ये करना नहीं है जो हम आगे कर रहे हैं। जैसे x को 9 और y को 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS कितनी आएगी? 9 प्लस 5 दैट इज 14 इक्वल टू LHS। मतलब ये वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है? इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो x माइनस वाई, उसकी LHS क्या है सेकंड इक्वेशन की? x माइनस वाई दैट इज 9 माइनस 5 कितना आएगा? 4 दैट इज इक्वल टू RHS। मतलब ये वैल्यूज एक साथ दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, करेक्ट बच्चों। तो ये जो आपका मेथड था ये कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एक सम और करो ऐसा ही, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है। अभी बच्चों जो आप सम करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो जरा बच्चों, अभी हमने इक्वेशंस लिखी थी कि एक लीनियर इक्वेशन है मान लो a1x b1y, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सीआई की बात बताओ बेटा, ये a1 b1 c1 क्या है? a1 क्या है? कोफिशियंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। a2 क्या है? कोफिशियंट ऑफ y इन b1 क्या है, सॉरी b1 बताओ, b1 क्या है? कॉफिशियंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। c1 क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। इसी तरह से a2 क्या है? कॉफिशियंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह b2 कॉफिशियंट ऑफ y है और c2 कॉन्स्टेंट टर्म है। तो बच्चों हम बिना सॉल्यूशन फाइंड किए
बिना सॉल्यूशन फाइंड किए कुछ कोफिशिएंट्स का रेशियो कंपेयर करके हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या? देखो बच्चों, a1 upon a2 का क्या मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। b1 upon b2 का क्या मीनिंग है? कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन y इन फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। और c1 upon c2 का क्या मीनिंग है? कांस्टेंट टर्म्स, रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ बोथ इक्वेशन। समझ गए? तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपका आता है a1 upon a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये वैल्यू आपने निकाली। फॉर एग्जांपल, हम साथ साथ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि बच्चों, मैंने एक इक्वेशन ली 2x + 3y + 4 = 0, दूसरी इक्वेशन ली मैंने 3x + 2y + 6 = 0। तो बच्चों, यहाँ से अगर आप a1 upon a2 फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। ठीक है, b1 upon b2 फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 3/2। और c1 upon c2 फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 4/6, दैट इज 2/3, करेक्ट। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या a1 upon a2 की वैल्यू ये है और b1 upon b2 की वैल्यू ये है, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। मतलब उस सेट ऑफ इक्वेशन के लिए a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है। और बच्चों, जब हमें ये पता लग जाए कि a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है, तब हमें ये पता होता है कि ये दोनों लाइन सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये इन लाइंस का, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन सोल्व किया था ना, वहां पर हमारा x = 9 आया था और y = 5 आया था। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो 9, 5 क्या होते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर होता है, इसीलिए तो ये दोनों का सॉल्यूशन है, इसीलिए तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जो ये हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन, जैसे अब ये एक लाइन है हमारे पास, एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो बच्चों एक लाइन आएगी, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो भी एक लाइन आएगी, राइट। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या आता है? एक लाइन आता है। जब आप इसको, ठीक है, लिख, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बच्चों क्या आता है? लाइन आता है। लेकिन अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और उनमें आप इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करते हैं और ये दोनों रेशियो अनइक्वल आते हैं, तो यहां से बच्चों एक बात साफ साफ पता लगती है कि ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक पॉइंट इनका क्या होगा? दोनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इनके कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक इन लाइंस के कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। उसका मतलब ये है कि बच्चों ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है बेटे सानवी, ठीक है, सो तो नहीं रही है ना, गुड, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस थी। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। मतलब सॉल्यूशन तो है ना, एक सॉल्यूशन है इनका, मतलब सॉल्यूशन तो है ना, राइट। जब एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, तो इस सिस्टम ऑफ लाइंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, सेट ऑफ इक्वेशंस को क्या कहा जाता है बच्चों? कंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट, राइट, सॉल्यूशन हो तो। अब इस केस में कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन है। जब कभी भी सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट, राइट बच्चों। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बच्चों। अगर आपने ये रेशियो फाइंड किया a1 upon a2 और b1 upon b2, और बच्चों ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो आप इसको तीसरे रेशियो से कंपेयर करोगे, थर्ड रेशियो से कंपेयर करोगे,
मान लो ये थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं है बच्चों, ऐसा सिर्फ पैरेलल लाइंस में होता है, ऐसा सिर्फ पैरेलल लाइंस में होता है, जब दो पैरेलल लाइन हो तब ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, जब कोई दो पैरेलल लाइन है तो क्या कभी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो उनका क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइन तो बच्चों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इनका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। एंड बच्चों अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या बेटे, नो सॉल्यूशन, इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। एक्स और वाई की आप ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और वही वैल्यू सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, ऐसी आप कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, राइट, है ही नहीं। हम तो तभी फाइंड कर सकते हैं जब कोई चीज है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। फाइंड आउट तो उसको किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और जब पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, तो उन उसको उन पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कि ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन हम फाइंड कर सके, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये समझ आया, क्लियर है ये चीज। सारे कुछ पूछना चाहते हो बेटा, पक्का, ओके बेटे, चलो आगे चलते हैं। आशिता आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो बेटे, चलो थर्ड इक्वेशन बच्चों देखो जरा, आप चलते हैं बच्चों। बाई दी बच्चों एक बात बताओ, यहां तो हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल था, उसको चेक किया वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, बाई दी इक्वल आ जाता तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल आ गया। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखोगे ठीक है, देखो जरा बच्चों, एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मोनिया इज वेरी इंटेलिजेंट, मोनिया गुड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों लाइंस में आप देखो जरा, a1 अपॉन a2 कितना है बेटा, a1 अपॉन a2 कितना है 2/4, b1 अपॉन b2 कितना है 3/6, और c1 अपॉन c2 कितना है 4/8। अब एक काम करो बच्चों, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो तो ये बनेगा 1/2, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो ये भी 1/2, और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो सब इक्वल है ना बच्चों, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के इक्वल है, करेक्ट गुड। हमारे बच्चे तो वैसे ही इतना इजी समझ जाते हैं, हमारे बच्चे हैं ही इतने इंटेलिजेंट कि देखो बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, c1 अपॉन c2 के इक्वल है, करेक्ट। ये यानी कि अब ये थर्ड वाला टाइप का है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हाउ, आपको कैसे पता बेटा ओवरलैप करेंगी, कहाँ इक्वल है, उसमें 4 है उसमें 6 है उसमें 8 है बेटा, यस, तभी तो मैं कहता हूँ मोनिया इज सुपर इंटेलिजेंट। तो यहाँ से कॉमन लो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गई 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वही लाइन बन जाती है ऊपर वाली, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट करें या इसको प्लॉट करें, लाइन तो बच्चों एक ही प्लॉट होगी, या यूं कहें दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप करके प्लॉट होगी। तो एक लाइन मान लो मैंने पहले ये वाली प्लॉट की,
और फिर मैंने ये दूसरे वाली प्लॉट की, तो पहली लाइन मेरी ये आई थी, अब दूसरी लाइन भी मेरी सेम ही आएगी, आएगी ना? मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। दूसरी लाइन इसके ऊपर ही आएगी, ठीक है, मुझे सब सुनता है, इसके ऊपर ही आएगी। तो दोनों लाइन क्या है, ओवरलैप कर रही हैं, तो इनमें तो सारे ही पॉइंट कॉमन है बच्चों, इनके तो हर, इनका तो हर पॉइंट एक दूसरे के साथ कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, इनका तो हर पॉइंट एक दूसरे के साथ कॉमन है, राइट? तो जो कॉमन पॉइंट है वही तो सॉल्यूशन होता है। पहले वाले केस में एक कॉमन पॉइंट आया था तो ये सॉल्यूशन था, दूसरे वाले में कोई कॉमन पॉइंट आया ही नहीं था तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, और इस केस में तो सारे पॉइंट कॉमन है। और इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने रियल नंबर इनके ऊपर? इनफाइनाइट रियल नंबर, और सारे एक दोनों के कॉमन है, दोनों दोनों के ऊपर है वो, तो इस केस में आएगा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बच्चों सॉल्यूशन अगर है तो चाहे एक हो, चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, करोड़ हो, और कितने भी हो, ठीक है, सिस्टम क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। समझ आए बच्चों? ये भी समझा होगा, करेक्ट। सो बच्चों जब भी आप कोई भी किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन है। क्यों? बाय द वे बच्चों, उसके सॉल्यूशन ही नहीं हुए और आपने सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में सिंप्लीफाई होते होते बाद में आपको पता लग रहा सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, फिर आपको नजर आएगा कि इसके तो सॉल्यूशन थे ही नहीं। तो पूरा करने के बाद फिर आप वापस ओरिजिनल स्टेप पे आओगे, इनिशियल पे, और लिखोगे कि नो सॉल्यूशन। इसलिए क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या इसके सॉल्यूशन है, यूनिक है, तो फिर फाइंड करो। अगर आपको पता लग जाता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, फिर छोड़ दो उसको, वहीं लिख दो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी बच्चों हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, जस्ट हमें बताना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो ही आपको फाइंड करना है, बाकी दोनों केसेस में हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने हैं, राइट? इसलिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, करेक्ट? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन करते हैं सर, जो अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया है उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही था और हमने वो फाइंड किया है, बट वहाँ हमने बिना चेक किए ही फाइंड किया, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करने इसलिए करने दिया कि मैंने देख लिया था कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको रोक दिया था। तो थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करना क्योंकि उसमें हम पहले चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो बच्चों आ जाओ, बोलो बोलो ये इससे नीचे। देखो जरा, एक एक सेट ऑफ इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, क्या है वो, 3x दिख भी नहीं रहा सर, इतना करता है आपने वो पिक्चर वाले पे जाओ सर प्लीज, ये का मत देना। 3x देखो इक्वेशन को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड इक्वेशन है। बताओ बच्चों a1 बताओ क्या है, सानवी बताओ बेटा, a1 इज 3, b1 बताओ माइनस 1, और c1 माइनस माइनस थ्री लिखोगे, जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट एक बात याद रखना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो दोनों, अगर आपने C1 यहाँ लिया राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट को, तो फिर नीचे भी उसको राइट में ले जाके कांस्टेंट टर्म को तभी लेना,
कभी ऐसा मत कर देना कि एक को तो ले लिया आपने राइट हैंड साइड से और एक कोफिशिएंट एग्जामिनर ने लेफ्ट में लिख के दिया और आपने लेफ्ट से सीधा सी टू को वो लिख दिया। या तो दोनों आपके राइट में होने चाहिए या आपके दोनों लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब ए टू बताओ, ए टू कितना है, बी टू कितना है, माइनस थ्री, और सी टू कितना है, नाइन। ठीक है, क्योंकि दोनों राइट में थे इसलिए दोनों को आप थ्री नाइन लिख सकते हो। या तो दोनों राइट में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट में होने चाहिए। ओके बच्चों, अब सबसे पहले आप चेक करेंगे ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है, नाइन अपॉन थ्री अपॉन नाइन, थ्री अपॉन नाइन दैट इज वन अपॉन थ्री। फिर आप ले रहे हो ए टू बी टू बी वन अपॉन बी टू, वो कितना आ रहा है, माइनस वन बाई थ्री, माइनस माइनस कट हो जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा। सी वन अपॉन सी टू कितना आ रहा है, वो भी वन बाई थ्री। तो बच्चों क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और जब ये केस होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इम्प्लाइज पेयर ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सॉरी सारा लिखना है, हाँ बेटा ये लिखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हेंस कंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट के सॉल्यूशन तो फाइंड ही नहीं करने हमें, सिर्फ हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे करना है। चले आगे, चलो अब आगे क्वेश्चंस ट्राई करो इसी टाइप के। देखो बच्चों, जिनका फोर्थ पार्ट नहीं हुआ वो इधर देख सकते हो, पॉइंट टू बोलना है एक बार, पॉइंट टू एक्स प्लस पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू 1.3। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, पॉइंट फोर एक्स प्लस पॉइंट 0.5y इज इक्वल टू कितना है, 2.3। ठीक है बच्चों, तो कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और सेकंड इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। राइट, सो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, a1 अपॉन a2 बताओ 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा, 3/5। सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, 13/23। करेक्ट, देखो जरा। देन अब ए वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो सिस्टम पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, लिखेंगे वो आप। ठीक है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, दिस इंप्लाइज पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है इसके, यूनिक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, पूछना बेटा एक मिनट दे बस। आप सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे बच्चे, बाय इक्वेशन वन क्या करेंगे कि 2x या 2y की, y या x की किसी की भी वैल्यू निकाल लो। सो 2x इज इक्वल टू व्हाट,
13 माइनस 3y किया था, ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? सानवी आपका हो गया बेटा ये वाला सम, ये समझ आया बेटा? सानवी हो गया ये वाला, अच्छा चलो देख लो फिर। एंड अब इस वैल्यू का आप सेकेंड इक्वेशन में डालोगे बाय इक्वेशन टू, क्या आएगा बच्चों हमारे पास? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो बच्चों x की वैल्यू पहले एक काम करो, 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x, लिख सकता हूँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और x की वैल्यू कितनी है, कोई प्रॉब्लम है? 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x, 4 इंटू व्हाट इज x? x बताओ कितना है? 13 माइनस 2 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको इससे कट कर दो। सो 5y क्या आ गया आपका यहाँ से? 23 माइनस बोलो 26 प्लस कितना 6y, ठीक है 6y को लेफ्ट में, वैसे हम राइट में ऐसे लेके नहीं ले जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं 6y को लेफ्ट में ले आओ। सो 5y माइनस 6y इज इक्वल टू कितना? माइनस 3। सो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 और y कितना आ जाएगा, ये समझ आया? y की इस वैल्यू को आप x में डाल दो बाई 1 या दिस इज बाई 3, बाई 3। देखो बच्चों x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना आ गया बच्चों? 3 अपॉन 2, बताओ 13 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2, सो फाइनली क्या आ जाएगा, समझ आया? ठीक है करो एक बार, एक्स आ सकते हैं यस 0 0, इट मीन्स दोनों लाइन बच्चों ओरिजिन पे मीट करेंगी, एक लाइन ऐसे ओरिजिन पे ऐसे, दूसरी ऐसे हो सकती है, दोनों लाइन ओरिजिन पे मीट कर रही है, सो देयर सॉल्यूशन इज 0 0 हो सकता है। चलो चलो दे दूंगा, नहीं अभी नहीं, बताओ सिक्स में इक्वेशन बताओ, 3x upon 2 minus 5y upon 3 minus 5y upon 3 upon 3 equals to minus 2 is equal to minus 2 minus 2 or x upon 3 x upon 3 plus y upon 2 y upon 2 equals to 13 upon 6 13 upon 6। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 9x minus 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गई? 9x टेन वाई इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हाँ कर लो, कितना टाइम बचा है, रिवाइज कर लो या फिर अगर, अच्छा बच्चों सेकंड में बताओ, हाँ ये हो गया 2x प्लस 2y, सॉरी 3y, 2x plus 3y upon 6 is equal to 13 upon 6, 6 के आप 6 cancel कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 2x plus 3y is equal to 13, that is your second equation, ठीक है बच्चों, यहाँ से x की value निकालो by second, 2x is equal to 13 minus 3y, so x is equal to 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दो, बाई 1, बाई 1 क्या आएगा आपके पास? 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10 इंटू सॉरी 10y इज इक्वल टू 13 अपॉन, नहीं इक्वल टू माइनस 12, राइट बच्चों? सो बच्चों ये कितना हो गया देखो जरा, 117 माइनस 27 वाई
और एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20y अपॉन टू दैट इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया आपके पास 117 47y इज इक्वल टू माइनस 24। सो 117 माइनस बन जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 47y करेक्ट। सो बच्चों ये हो गया, और y की बच्चों वैल्यू क्या होगी 141 अपॉन 47 राइट। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। y की वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि 3 पे कैंसिल होगा। x के लिए y को 3 आप यहां डाल दीजिए, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 2, तो क्या आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके सॉल्यूशन होंगे।